जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज हम आस्था IAS के BPSC की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए टेस्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का हमारा, याद रखना, एक मिनट दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संसद रत्न पुरस्कार 2022 में किन दो राजनेताओं को लाइफ टाइम अचीवमेंट APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार मिला है? तो याद रखना है दोस्तों, MV वीरप्पा मोइली और HV हांडे को संसद रत्न पुरस्कार 2022 में लाइफ टाइम अचीवमेंट APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट है, सभी पूर्व प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री संग्रहालय का एक संग्रहालय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया? तो आपको याद रखना है किस में, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है दोस्तों। तो यह बनाया गया है नई दिल्ली में दोस्तों, और यह VVI क्वेश्चन है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, कर्नाटक सरकार की विनय समरस योजना का उद्देश्य क्या है? तो याद रखना है दोस्तों, कर्नाटक सरकार की विनय समरस योजना का उद्देश्य क्या है? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन का जिक्र किया गया दोस्तों? तो याद रखना है आर्टिकल 17 में। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, संविधान ST आदेश संशोधन यानी संविधान आदेश संशोधन विधेयक 2022 का उद्देश्य अनुसूचित जाति की सूची में कुकी जनजाति की उपजाति के रूप में किस समुदाय को शामिल करना है? तो किस समुदाय को शामिल करना है दोस्तों? तो डार्लोंग समुदाय को इसमें शामिल करना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा में मिहिर शाह कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा हुई थी, समिति किससे संबंधित है? तो मिहिर शाह समिति किससे संबंधित है दोस्तों? तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय जल आयोग से संबंधित है, और यह VVI सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 के लिए किस राज्य में पश्चिम बंगाल को शीर्ष सब्जी उत्पादक के रूप में प्रतिस्थापित किया है? तो किस राज्य ने पश्चिम बंगाल को शीर्ष सब्जी उत्पादक के रूप में प्रतिस्थापित किया है दोस्तों? तो उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार के विजेता कौन है? तो कौन है दोस्तों? तो आरेफा जोहरी जो है दोस्तों, उत्कृष्ट महिला और मीडिया कर्मी 2021 के लिए इन्हें चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलन मस्क के SpaceX के साथ स्पेसटेक स्टार्टअप पिक्सेल द्वारा लॉन्च किए गए उपग्रह का नाम क्या है? तो इस उपग्रह का नाम है दोस्तों शकुंतला। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस उद्योग के विकास के उद्देश्य से मेहर बाबा प्रतियोगिता 2 का शुभारंभ किया? तो याद रखना है दोस्तों, या ड्रोन उद्योग के विकास के उद्देश्य से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मेहर बाबा प्रतियोगिता 2 का शुभारंभ किया है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नैसकॉम के गठन के बारे में द मेवरिक इफेक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना है कि द मेवरिक इफेक्ट पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो हरीश मेहता है। नेक्स्ट है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा आयोजित जलमार्ग सम्मेलन 2022 किस शहर में आयोजित किया गया था? तो यह किस शहर में आयोजित किया गया था दोस्तों? तो याद रखना है डिब्रूगढ़ में यह आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, किस राज्य ने पूर्व सैनिक और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना शुरू की है? तो हिम प्रहरी योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? तो आपको याद रखना है कि यह सिक्किम राज्य के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संगठन द्वारा साउथ एशिया इकोनॉमिक्स फोकस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया गया? तो यह जारी किया गया दोस्तों साउथ एशिया इकोनॉमिक्स फोकस शीर्षक से एक रिपोर्ट, ADB के द्वारा यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है, विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2022 का मेजबान देश कौन है? तो याद रखना है कि विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2022 का मेजबान देश कौन सा है दोस्तों? तो यह है संयुक्त अरब अमीरात, और यह VVI सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? तो पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं दोस्तों जिन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देवेंद्र झाझड़िया हैं वो दोस्तों। नेक्स्ट है, किस वर्ष तक सरकार ने पूरे भारत में 220 हवाई अड्डे के निर्माण का लक्ष्य रखा है? तो किस वर्ष तक रखा है दोस्तों? तो 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में नीति आयोग ने स्वास्थ्य सूचकांक का कौन सा संस्करण जारी किया? तो याद रखना है दोस्तों, हाल ही में नीति आयोग ने स्वास्थ्य सूचकांक का कौन सा संस्करण जारी किया? तो यह चौथा संस्करण जारी किया गया दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में सेबी ने यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने किसे IMF सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नामित किया? तो उनका नाम है दोस्तों क्या, तो आरती कृष्णन को। नेक्स्ट है, हीट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण हाल ही में किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया दोस्तों हीट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण, तो यह किया गया DRDO के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में मिसाइल प्रलय का पहला उड़ान परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो हाल ही में मिसाइल प्रलय का पहला उड़ान परीक्षण किसके द्वारा किया गया दोस्तों, तो यह भी किया गया DRDO के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडिया स्किल 2021 नेशनल प्रतियोगिता में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इंडिया स्किल 2021 नेशनल प्रतियोगिता में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है दोस्तों, तो उड़ीसा इसमें जो है दोस्तों शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, किस राज्य में विधानसभा चुनाव अभी नहीं हो रहा है? तो किस राज्य में विधानसभा चुनाव अभी नहीं हो रहा है दोस्तों, तो उस राज्य का नाम है क्या, तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, नए वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार शहर जहाँ सबसे अधिक वन क्षेत्र है वो कौन सा है दोस्तों, तो याद रखना है कि दिल्ली में जो है दोस्तों सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं दिल्ली में। तो नए वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार शहर जहां सबसे अधिक वन क्षेत्र है, तो उस शहर का नाम क्या है दोस्तों, तो दिल्ली है। नेक्स्ट है, 24, हाल ही में ई गवर्नमेंट पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ है? तो ई गवर्नमेंट पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है दोस्तों, तो यह हैदराबाद में हुआ है। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 के वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वन आच्छादन है? तो याद रखना है कि वर्ष 2021 के वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वन आच्छादन कितना है दोस्तों, तो यह है 24.6%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य को डिजिटल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? तो किस राज्य को डिजिटल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया, तो हरियाणा राज्य को डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट है, बिहार की एक संस्था हित में ICT के उपयोग अनुसंधान के लिए पुरस्कार में आया? तो याद रखना कि बिहार की एक संस्था नागरिक हित में ICT के उपयोग अनुसंधान के लिए पुरस्कार मिला, तो उस संस्था का नाम क्या है दोस्तों, तो आपको याद रखना है सबौर कृषि विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, तो 28 का आंसर क्या है, तो याद रखना है कि 28 का आंसर कितना है दोस्तों, तो बी है, स्क्रीनशॉट लेके आप इसे बना सकते हैं। फिर है 29 का आंसर, तो 29 का आंसर है दोस्तों ए, 12 किलोमीटर पर आवर। फिर 30 का आंसर क्या है दोस्तों, तो 30 का आंसर है ए। 31 का आंसर है दोस्तों डी, याद रखना है, स्क्रीनशॉट लेके आपको इसको अटेम्प्ट लेना है। फिर है 32, तो 32 का आंसर कितना है दोस्तों, तो 32 का है ए। फिर है 33, तो 33 का आंसर है दोस्तों कितना, तो 33 का है सी। 34 का आंसर कितना है दोस्तों, तो 34 का है सोमवार। फिर है दोस्तों 35, तो 35 का आंसर कितना है, तो 35 का आंसर आपको ध्यान में रखना है, 35 का आंसर है दोस्तों 500 रुपया, यानी ए। फिर अब है दोस्तों GS रिलेटेड क्वेश्चन, तो महायान शाखा का साहित्य लिखा गया है, तो याद रखना है कि महायान शाखा का जो साहित्य है दोस्तों वह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी यात्री ट्रेविनियर कब बिहार आया था? तो याद रखना है कि फ्रांसीसी यात्री जो ट्रेविनियर था बिहार कब आया था दोस्तों, तो याद रखना है 17वीं शताब्दी में यह बिहार आया था, और यह VVI सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में गया क्षेत्र में असुरों के राज होने की चर्चा की गई है? तो किसमें की गई है दोस्तों असुरों के राज होने की चर्चा, तो यह की गई है वायु पुराण में। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो इल्तुतमिश ने 1225 में किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था दोस्तों, तो उनका नाम देखने को मिलता है हिसामुद्दीन ऐवज को, इसी को पराजित करके इल्तुतमिश ने बिहार पर अपना अधिकार प्राप्त किया था दोस्तों। नेक्स्ट, बिहार में गोलघर के निर्माण का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखना है गोलघर के निर्माण का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था, तो सर जॉन सोर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश था? तो बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश कौन था दोस्तों, तो चेरो वंश था, और ये सब के सब VVI सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, पटना युवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखना है पटना युवक संघ की स्थापना जो की गई थी दोस्तों वो किसके द्वारा की गई थी, तो मनिंद्र नारायण राय के द्वारा की गई थी पटना युवक संघ की स्थापना। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन किसकी कृति है? तो याद रखना है स्वदेशी आंदोलन किसकी कृति है, तो यह है दोस्तों जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी की कृति है स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट है, पटना के विधानसभा भवन का निर्माण कब किया गया था? तो पटना के विधानसभा भवन का निर्माण कब किया गया था दोस्तों, तो यह किया गया था 1921 में। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट है, अंग्रेजों को 1765 में बिहार बंगाल और उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण
योगदान था। कराने में महत्वपूर्ण योगदान किसका था दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि यह था नवाब मुनीरुद्दौला का। तो याद रखना है कि अंग्रेजों को 1765 ईस्वी में जो इलाहाबाद की संधि की गई थी दोस्तों शाह आलम द्वितीय से, तो उन्होंने क्या किया था, तो बिहार बंगाल उड़ीसा को दीवानी अंग्रेजों को वसूल करने का अधिकार दे दिया था। तो और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाया गया था दोस्तों, तो नवाब मुनीरुद्दौला के द्वारा निभाया गया था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 46 है दोस्तों, सही कुट का चयन कीजिए। तो सही इसमें कुट कौन सा है दोस्तों, तो याद रखना है ग्राम पंचायत, उसके बाद अनुमंडल, जिला और राज्य दोस्तों। तो राज्य राज्य के अंदर राज्य को कई जिलों में बांटा गया, जिलों को अनुमंडल में बांटा गया और अनुमंडल को कई ग्राम क्षेत्रों में बांटा गया दोस्तों, यानी ग्राम पंचायतों में बांटा गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति जिम्मेदार होता है। तो याद रखना है राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति जिम्मेदार होता है दोस्तों, तो यह होता है विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध है। तो जल मंदिर का संबंध किससे है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि जल मंदिर का संबंध है जैन धर्म से। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी बिहार मैदान, दक्षिणी बिहार मैदान, छोटा नागपुर पठार। तो उत्तरी तथा उत्तरी बिहार मैदान कितना परसेंट है दोस्तों, तो याद रखना है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दिया गया है 49 का राइट आंसर है दोस्तों बी, यानी उत्तरी तथा उत्तरी बिहार मैदान कितना है दोस्तों, तो 29.87%। दक्षिणी बिहार मैदान कितना है दोस्तों, तो 23.71%। छोटा नागपुर का पठार कितना है, तो 26.14%। और छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ कितना है दोस्तों, तो 20.28% दोस्तों। नेक्स्ट है किस जिले में अभ्रक का भंडार नहीं पाया जाता है। तो किस जिले में अभ्रक का भंडार नहीं पाया जाता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि बक्सर जो जिला है दोस्तों उसमें अभ्रक का भंडार नहीं पाया जाता है, जबकि मुंगेर, गया और नवादा दोनों में, तीनों में अभ्रक का भंडार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नालंदा जिले में स्थित है। तो नालंदा जिले में स्थित क्या है दोस्तों, तो याद रखना है कि नालंदा जिले में जो है दोस्तों एक से अधिक, यानी गिरियर पहाड़िया, राजगीर की पहाड़िया, बिहार शरीफ की पहाड़ी, यह सभी स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई। नेक्स्ट है देश के कुल बाढ़ प्रभावित आबादी का कितना प्रतिशत बिहार में निवास करती है। तो देश के कुल बाढ़ प्रभावित आबादी का कितना परसेंट बिहार में निवास करती है दोस्तों, तो 22.1% जो है दोस्तों बिहार में निवास करती है। नेक्स्ट है 15वें आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार स्थिर मूल पर बिहार का विकास दर कितना प्रतिशत रहा है। तो स्थिर मूल पर बिहार का विकास दर प्रतिशत कितना रहा है दोस्तों, तो 10.5% रहा। और यह अभी भी यही सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जिले का घटते क्रम में, यानी सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले दशकीय जनसंख्या वृद्धि का सही क्रम क्या है। तो जनगणना 2021 के अनुसार घटते क्रम में दशकीय जनसंख्या वृद्धि का सही क्रम क्या है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा मधेपुरा, किशनगंज, खगड़िया और अररिया। तो घटते क्रम में पूछा गया है दोस्तों जनसंख्या वृद्धि दर, तो घटते क्रम में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो मधेपुरा में, उसके बाद किशनगंज में, उसके बाद खगड़िया में, उसके बाद अररिया में है दोस्तों। नेक्स्ट है बिहार का कौन सा जिला नायलोन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो बिहार का कौन सा जिला जो है दोस्तों नायलोन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है मुंगेर जो है नायलोन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है वाराणसी हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बिहार के किन जिलों से होकर गुजरेगा। तो यह बिहार के किन जिलों से होकर गुजरेगा दोस्तों, तो याद रखना है गया, औरंगाबाद और रोहतास जिलों से होकर गुजरेगा। और ये सब के सब वीवीआई सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है गंगा किनारे स्वच्छ शहरों में पटना का स्थान कौन सा है। तो गंगा किनारे स्वच्छ शहरों में पटना का स्थान कौन सा है दोस्तों, तो इसमें पटना का स्थान तीसरा है। नेक्स्ट है मौर्य वंश का प्रथम सम्राट कौन था। तो मौर्य वंश का प्रथम सम्राट था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, इसे भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कौन सी बौद्ध सभा अशोक के शासनकाल में हुई थी। तो अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध सभा हुई थी दोस्तों, तो तृतीय जो बौद्ध सभा हुई थी वो अशोक के शासनकाल में हुई थी, प्रथम जो बौद्ध सभा हुई थी वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, द्वितीय जो बौद्ध सभा हुई थी दोस्तों वो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, और चतुर्थ जो बौद्ध सभा है दोस्तों वह कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बिहार में वित्त वर्ष 2021-22 में कुल बजट का कितना प्रतिशत कृषि पर खर्च किया जाएगा। तो कुल बजट का कितना प्रतिशत कृषि पर खर्च किया जाएगा दोस्तों, तो यह खर्च किया जाएगा 1.53% कृषि पर खर्च किया जाएगा। और ये सबके सवाल वीवीआई सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है इंडिका किसके द्वारा रचित पुस्तक है। तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है दोस्तों इंडिका। नेक्स्ट है वैदिक सत्य रीत का आशय है। तो रीत का आशय, वैदिक शब्द रीत का आशय क्या है दोस्तों, तो वैदिक शब्द रीत का आशय है नैतिक नियम।
नेक्स्ट आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो आर्य शब्द का शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों, तो इसका ध्यान रखना है कि आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह श्रेष्ठ है। नेक्स्ट खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है, तो खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था किससे संबंधित है दोस्तों, तो यह संबंधित है नवपाषाण काल से। नेक्स्ट विजयनगर के कृष्णदेव राय का राजकवि था, तो विजयनगर के कृष्णदेव राय का राजकवि कौन था दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है अलसनी पेदेन्ना जो थे दोस्तों विजयनगर कृष्णदेव राय के राजकवि थे। नेक्स्ट मेघास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा गया, तो भारतीय समाज को कितने वर्ग में बांटा गया है दोस्तों, तो यह इसने बांटा है 7 वर्गों में भारतीय समाज को। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। बढ़ते हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ऐतिहासिक महत्व का नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ऐतिहासिक महत्व का नहीं है दोस्तों, तो वह है बाणभट्ट की कादंबरी जो है ऐतिहासिक महत्व का नहीं है। तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा सी। फिर मुद्रा राक्षस किसने लिखा है, तो मुद्रा राक्षस किसने लिखा है दोस्तों, तो मुद्रा राक्षस लिखा है विशाक दत्त ने। नेक्स्ट है जीतल नामक सिक्का बनता था, तो जीतल नामक सिक्का किससे बनता था दोस्तों, तो याद रखना है कि यह सोने से बनता था जीतल नामक सिक्का। जीतल नामक जो सिक्का है वो किसे बनता था, जीतल नामक जो सिक्का है दोस्तों वो बनता था किसे, तो याद रखना तांबे से। यहाँ पे मैंने सोचा बी है, तो जीतल नामक सिक्का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यह तांबे से बनता था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि बंगाल में द्वैत शासन का अंत कब हुआ, तो याद रखना दोस्तों बंगाल में द्वैत शासन का अंत कब किया गया था, तो यह किया गया था 1772 ईस्वी में। किसके शासनकाल में, तो वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में इसे समाप्त किया गया था। लगाया किसके द्वारा गया था दोस्तों, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इसे लगाया गया था। नेक्स्ट है तुजुके जहांगीरी किसने लिखी है, तो तुजुके जहांगीरी किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों, तो यह स्वयं जहांगीर की आत्मकथा है तुजुके जहांगीरी। नेक्स्ट है पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कौन कौन किए थे, तो पूना पैक्ट कर हस्ताक्षर कौन कौन किए थे दोस्तों, तो आपको याद रखना है इसमें जो हस्ताक्षर किए थे वो कौन थे, तो गांधी जी और अम्बेडकर जी ने इस पर हस्ताक्षर किया था दोस्तों। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने आधुनिक कलकत्ता की स्थापना कब की, तो अंग्रेजों ने आधुनिक कलकत्ता की स्थापना कब की थी दोस्तों, तो आपको याद रखना है 1690 ईस्वी में की थी आधुनिक कलकत्ता की स्थापना। नेक्स्ट है गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था दोस्तों, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट है सूची वन को सूची दो से मिलान कीजिए, तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना थियोसिफिकल सोसाइटी की स्थापना, तो याद रखना है सत्यशोधक समाज की जो स्थापना की गई थी दोस्तों ज्योतिबा फुले के द्वारा, थियोसिफिकल सोसाइटी की जो स्थापना की गई थी कर्नल अलकॉट के द्वारा, आदि ब्रह्म समाज की जो स्थापना की गई थी दोस्तों देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी दोस्तों केशव चंद्र सेन के द्वारा। तो ए का हो गया 2, बी का हो गया 4, तो ए का हो गया दोस्तों 2, बी का हो गया 4, तो आप देखते हैं कि किसमें, तो यह है आदि ब्रह्म, तो ए का 2 बी का 4 एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, और वो कौन सा है, तो वो ऑप्शन है बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बी हो जाएगा 75 का। नेक्स्ट है 76, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, तो तीर्थ यात्रा कर किसने समाप्त किया था दोस्तों, तो याद रखना है कि अकबर ने जो है तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है विधवा पुनर्विवाह के प्रति किस सुधारक ने प्रमुख योगदान दिया था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है दोस्तों इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बढ़ते हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन में ब्रिटेन के केवल एक ही राजा ने भारत की यात्रा की एवं अपना एक भव्य दरबार लगाया, वह कौन राजा था, तो वह कौन राजा था दोस्तों, तो याद रखना वह था जॉर्ज पंचम, वह अपनी पत्नी मैरी के साथ आया था भारत। नेक्स्ट है भारत में किस वायसराय के समय प्रथम जनगणना हुई थी, तो याद रखना है किस वायसराय के समय प्रथम जनगणना हुई थी दोस्तों, तो लॉर्ड मेयो के समय जो है दोस्तों प्रथम जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में, तो ये भी डेट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में किसने की थी, तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो राधाकांत देव के द्वारा किया गया था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी, तो राधाकांत देव के द्वारा की गई थी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया, तो गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया कब जोड़ा गया था दोस्तों, तो आपको याद रखना चंपारण सत्याग्रह में। नेक्स्ट है कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था, तो किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था कानपुर षड्यंत्र मुकदमा दोस्तों, तो याद रखना है आपको यह था
एनजी रंगा। तो कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था, तो यह किस आंदोलन के विरुद्ध था दोस्तों, तो एनजी रंगा के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था उन पर चलाया गया था कानपुर षड्यंत्र का मुकदमा दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए और दिए गए कूट के आधार पर उपयुक्त उत्तर चुनिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जलियांवाला बाग, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो सबसे पहले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होगा दोस्तों, उसके बाद जलियांवाला बाग होगा, उसके बाद असहयोग और उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए। तो 83 का क्या आंसर हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल वायसराय ने पुरातत्वीय अवशेषों के रख रखाव में गहन दिलचस्पी दिखाई, तो वह कौन था दोस्तों, तो वह था लॉर्ड रिप कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने भारतीय जो स्मारक थे दोस्तों उनके रख रखाव में अपनी गहन दिलचस्पी दिखाई थी, और यह अभी भी ऐसा वाला है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का संचालन दिल्ली में किया था, तो स्वदेशी आंदोलन का संचालन दिल्ली में किसने किया था दोस्तों, तो यह किया था सैयद हैदर रजा ने। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, तो कौन सा है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वाला द्वीप कौन सा है दोस्तों, तो बैरन द्वीप है। नेक्स्ट, भारत में भ्रंशन घाटी से बहने वाली नदियां कौन कौन सी है, तो याद रखना है कि भ्रंशन घाटी से बहने वाली नदियां कौन सी है दोस्तों, तो नर्मदा। एक और नाम नदी का नाम आपको याद रखना है दोस्तों, एक और नदी है ताप्ती, यह भी जो है दोस्तों भ्रंशन घाटी में होकर बहती है। बढ़ते मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छंद उद्योग है, तो याद रखना है कि कौन सा एक स्वच्छंद उद्योग है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉनिक जो है दोस्तों एक स्वच्छंद उद्योग है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहते जल के द्वारा कौन आकृति निक्षेपण का कार्य करता है, तो बहते जल के द्वारा कौन आकृति निक्षेपण का कार्य करता है दोस्तों, तो याद रखना है नदी वेदिकाएं। नेक्स्ट है, हाल ही जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान है, तो कितना अनुमान है दोस्तों 2021 में, तो यह अनुमान है 8.6%। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य की सबसे लंबी समुद्र सीमा है, तो किस राज्य की सबसे लंबी समुद्र सीमा है दोस्तों, तो गुजरात राज्य की जो है दोस्तों सबसे लंबी समुद्र सीमा है। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन एक पछुआ हवाओं के प्रभाव से साल भर भारी वर्षा प्राप्त करता है, तो कौन है दोस्तों वह क्षेत्र, तो वह क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है दोस्तों, वह पछुआ हवाओं के प्रभाव में साल भर भारी वर्षा प्राप्त करता है, तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए। नेक्स्ट है, किस मंडल से रेडियो तरंगे परावर्तित होती है जिसे रेडियो टीवी चलता है, तो कौन सा है दोस्तों, तो याद रखना है उस मंडल का नाम है आयन मंडल। नेक्स्ट है, जनगणना वर्षों के अनुसार किस वर्ष भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात था, तो किस वर्ष सर्वाधिक लिंगानुपात था दोस्तों, तो 94 में मुझे कुछ कन्फ्यूजन है, जो आंसर दे रहा है वो ए है, जबकि 1872 से स्टार्टिंग हुआ था, तो देखना पड़ेगा इसका राइट आंसर क्या है, तो इसको स्किप करते हैं थोड़ा देर के लिए। फिर है, अप्रैल मई में नॉर्वेस्टर से वर्षा होती है, तो याद रखना है दोस्तों अप्रैल मई में जो है दोस्तों नॉर्वेस्टर में वर्षा जो होती है पश्चिम बंगाल में होती है, और यह BBI सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, तो सर्वाधिक लवणता किसमें पाई जाती है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि सर्वाधिक लवणता जो पाई जाती है, एक मिनट दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो लाल सागर हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्ष 2022-23 का बजट संसद में किस तिथि को प्रस्तुत किया जाना निर्धारित था, तो याद रखना है कि कब किया जाना इसका निर्धारण किया गया था दोस्तों, तो याद रखना है 1 फरवरी को। नेक्स्ट है, केंद्र के अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी, तो केंद्र के अंतरिम सरकार की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, याद रखना है कैबिनेट मिशन के आने के बाद हुई थी केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के महाभियोग से किस अनुच्छेद का संबंध है, तो अनुच्छेद जो 61 है दोस्तों, वह राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, सी। कौन सा निकाय भारत की नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें तय करता है, तो कौन सा जो निकाय है दोस्तों भारत की नागरिकता तय करने की शर्तें तय करता है, तो उस निकाय का नाम है दोस्तों संसद। नेक्स्ट है, GST परिषद जिसकी बैठक 3 माह से कम एक बार होनी जरूरी है, एक संस्था है, तो यह एक ऐसी संस्था है दोस्तों, तो याद रखना है यह एक प्रशासनिक संस्था है, और यह BBI सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
किसकी अनुशंसा पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान प्रदान किए जाते हैं? तो किसकी अनुशंसा पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान प्राप्त किया जाता है दोस्तों? तो उस संस्था का नाम है वित्त आयोग। नेक्स्ट है, पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करता है? तो पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करता है दोस्तों? तो याद रखना है आपको कि पंचायत समिति के सदस्य करते हैं। नेक्स्ट है, दादर और नागर हवेली की शांति प्रगति और अच्छी सरकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण विनियम कर सकता है? तो उस प्राधिकरण का नाम है दोस्तों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है दोस्तों दादर और नागर हवेली की शांति और प्रगति और अच्छी सरकार के लिए प्राधिकरण का विनियमन कर सकता है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है? तो धन विधेयक को कितने दिनों तक राज्यसभा रोक सकती है दोस्तों? तो 14 दिनों तक रोक सकती है। नेक्स्ट, बिहार में पंचायती राज चुनाव में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण कब किया गया? तो कब किया गया था दोस्तों? तो आपको याद रखना 2005 में यह किया गया था। नेक्स्ट है, स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे? तो स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है दोस्तों? तो यह है, स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी न होना, इसी का अर्थ है स्वर्ण बुलियन मान। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण योजना शुरू है बिहार है? तो शुरू हुई है, महत्वपूर्ण योजना शुरू है बिहार से, तो याद रखना है वो कौन सी योजना है दोस्तों? तो उस योजना का नाम है लोहिया योजना, और यह अभी भी ऐसा वाला है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भारत के किस संकटग्रस्त देश को 5 लाख कोरोना टीका निःशुल्क दिया है? तो भारत ने किस संकटग्रस्त को 5 लाख कोरोना टीका निःशुल्क भेजा है? तो उस देश का नाम है दोस्तों अफगानिस्तान। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का केंद्र है? तो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का केंद्र क्या है दोस्तों? तो चुस्त दृष्टिकोण जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का केंद्र है। नेक्स्ट है, 2021-22 में कृषि और संबंध सेक्टरों के कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है? तो कितने परसेंट बढ़ने की उम्मीद है दोस्तों? तो यह बढ़ने की उम्मीद है 2.9%। नेक्स्ट है, पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है? तो पशुपालन के साथ खेती को मिश्रित खेती कहा जाता है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट है, बजट 2021-22 में किस आयु वर्ग के सीनियर सिटीजन जो केवल पेंशन और जमा से ब्याज पाते हैं को टैक्स में राहत दी गई है? तो किसको राहत दी गई है दोस्तों बजट में? तो इसमें राहत दी गई है 75 वर्ष से ज़्यादा उम्र के जो सीनियर सिटीजन है उन्हें। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में बिहार के किस जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? तो बिहार के किस जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? तो कटिहार में दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए राज्यों की उधार सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3% से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो यह कितना कर दिया दोस्तों? तो 5% कर दिया। नेक्स्ट है, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? तो वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या करते हैं दोस्तों? तो अभिवहन कहते हैं। नेक्स्ट है, रोग के निम्नलिखित में से किस समूह में आनुवांशिक रोग शामिल है? तो किस समूह में आनुवांशिक रोग शामिल है दोस्तों? तो आपको याद रखना है, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया और डाउन जो सिंड्रोम है दोस्तों वह आनुवांशिक रोग है, और ये सब के सब VVIP सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, पहाड़ियों से नासिका छिद्र से रक्त के थक्के बनने का मुख्य कारण क्या है? तो क्या है इसका मुख्य कारण दोस्तों? तो वायुमंडलीय दाब जो है दोस्तों, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वायुमंडलीय दबाव दाब जो होता है दोस्तों वो कम हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। एक विटामिन जो एक हार्मोन और एक दृश्य वर्णक दोनों के रूप में कार्य करता है वो कौन सा है? तो वह कौन सा विटामिन है दोस्तों? तो वह है रेटिनॉल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। हमारे शरीर में कार्बन का कुल कितना परसेंट है? तो हमारे शरीर में कार्बन का कुल कितना प्रतिशत है दोस्तों? तो याद रखना है आपको कि यह है 18 से 19%। नेक्स्ट है, अमलगम किस धातु का अयस्क है? तो दोस्तों अमलगम तो पहला बात अयस्क नहीं है, अमलगम किसे कहते हैं इसे समझ लेते हैं। तो अमलगम वो चीज़ होता है दोस्तों जब हम पारा को किसी धातु से रिएक्ट कराते हैं तो वह बनता है अमलगम। तो इस क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ है, यानी अगर मारा भी जाए आंसर तो इसका पारा ही होगा, लेकिन अयस्क नहीं है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अमलगम जब धातु से अभिक्रिया करता है, पारा जब धातु से अभिक्रिया करता है तो वह अमलगम बनाता है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सांस छोड़ने के दौरान फेफड़ों से हवा कब निकलेगी? जब फेफड़ों के अंदर का दबाव बन जाना चाहिए। तो कितना बनना चाहिए दोस्तों? तो वायुमंडलीय दबाव से अधिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन परिरक्षक नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा परिरक्षक नहीं है दोस्तों? तो वह उसका नाम है डल्फिन, जो परिरक्षक नहीं है। नेक्स्ट है, समुद्र नीला क्यों दिखाई देता है? तो समुद्र नीला क्यों दिखाई देता है दोस्तों? तो आपको याद रखना है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र जो है नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है, बेकिंग पाउडर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो बेकिंग पाउडर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो आपको याद रखना है सोडियम बाई कार्बोनेट, यानी इसका फॉर्मूला भी याद रखना है NaHCO3, ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है ठोस सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है तो ठोस सोडियम क्लोराइड से कर्पूर
कपूर, फिर फूलों की पंखुड़ियों के अर्क से निम्न वर्णक पानी के मिश्रण के साथ एसोटीन और क्रीम से मक्खन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, तो वो सी है, यानी ए का फोर, यानी ठोस सोडियम क्लोराइड से कपूर उर्ध्वपातन का है, फूलों की पंखुड़ियों के अर्क से भिन्न वर्णक, तो यह है दोस्तों क्रोमैटोग्राफी, पानी के मिश्रण के साथ एसीटोन, तो यह किसके द्वारा हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है, यह हो जाएगा आसवन के द्वारा, और क्रीम से मक्खन जो है दोस्तों केंद्र प्रसारण के द्वारा होता है, और यह वीवीआई सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान रखना है। फिर कॉलम वन को कॉलम ए को कॉलम बी से मैचिंग कराना है दोस्तों, तो गोल्जी बॉडी जो है, गोल्जी बॉडी क्या करता है, फिर अस्मत है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर राइबोसोम, फिर लाइसोसोम, तो याद रखना है दोस्तों, तो गोल्जी बॉडी किसका है, तो इसका सबसे पहले राइट आंसर देखते हैं, तो 127 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, तो यह है सी, यानी ए का भी गोल्जी बॉडी जो है दोस्तों लाइसोसोम का निर्माण करता है, दूसरा का है डी, यानी ये करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दोस्तों लिपिड संश्लेषण करता है, राइबोसोम क्या करता है दोस्तों, तो याद रखना है प्रोटीन संश्लेषण करता है, और लाइसोसोम क्या करता है दोस्तों, तो पाचन में सहायक करता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैसों के बारे में नीचे दिए गए कुटों में से सही विकल्प का चयन कीजिए, तो कौन सा ग्रीन हाउस गैसेज है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि 1, 3, 4 यानी मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प जो है दोस्तों ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जबकि नाइट्रोजन जो है दोस्तों ग्रीन हाउस गैसे नहीं है। नेक्स्ट, एक दंपति को अस्पताल में अपने नवजात शिशु के मिश्रित होने का संदेह है, विवाद को सुलझाने के लिए ब्लड टाइपिंग की मांग की जाती है, पुरुष का ब्लड ए है और महिला का ब्लड ग्रुप बी है, उनके जैविक ब्लड का ग्रुप हो सकता है, तो उनके जैविक ब्लड का ग्रुप क्या हो सकता है दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है कि यह हो सकता है या तो ए होगा या तो बी होगा या तो ओ होगा या तो ए बी दोनों होगा दोस्तों, और ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में याद रखना है दोस्तों कि यह जो है स ग्रहण करता है, केवल ग्रहण ब्लड को करता है, और ये यानी सर्वाग्राही ब्लड ग्रुप है दोस्तों कौन सा, तो यह है ए बी, और सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है दोस्तों, तो वो ओ है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक पदार्थ जो डिजिटल क्रांति का आधार है, तो एक पदार्थ जो डिजिटल क्रांति का आधार है दोस्तों वो कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि वह है अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर दोस्तों। नेक्स्ट है, आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है, तो आणविक कक्षा का जो अभिविन्यास है दोस्तों वह चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है, तो अधिक चालकता वाली धातु कौन सी है दोस्तों, विद्युत चालकता वाली, तो वह है चांदी। नेक्स्ट है दोस्तों, क्वार्ट्ज एक रूप है, तो क्वार्ट्ज किसका रूप है दोस्तों, तो यह रूप है किसका, तो याद रखना है आपको कि यह है सिलिकॉन ऑक्साइड डाइऑक्साइड का क्वार्ट्ज एक रूप है। नेक्स्ट है, सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है, तो किसके मिश्रण को तप्त किया जाता है दोस्तों सीमेंट बनाने के लिए, तो चूना पत्थर और मिट्टी को। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय अंतरिक्ष मिशन गगनयान में जिस रोबोट को भेजा जाता है, भारतीय अंतरिक्ष मिशन गगनयान में जिस रोबोट को भेजा जाता है वह कौन सा है दोस्तों, तो वह आपको ध्यान में रखना है कि वह है व्योम मित्र। नेक्स्ट है, निलंबन कण किसके बीच का एक निलंबन कण किसके बीच एक जैसा आकार रखते हैं, तो किसके बीच एक जैसा आकार रखते हैं दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है कि यह 10^-5 से 10^-5 सेंटीमीटर के बीच जो है दोस्तों एक जैसा आकार रखते हैं। नेक्स्ट है, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होते हैं, क्योंकि, तो याद रखना है दोस्तों कि गैस का जो प्रसार गुणांक होता है वह अधिक होता है, इस कारण गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज्यादा संवेदी होता है। नेक्स्ट है, खट्टे दूध में होते हैं, तो खट्टे दूध में क्या होता है दोस्तों, तो याद रखना है खट्टे दूध में होता है आपका लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है, लार किसके पाचन में मदद करता है, तो लार किसके पाचन में मदद करता है दोस्तों, तो ये लार जो पाचन करता है किसका, तो स्टार्च का पाचन करता है। नेक्स्ट है, तंतु आहार में शामिल है, तो तंतु आहार में क्या शामिल है दोस्तों, तो तंतु आहार में शामिल है सेलुलोज, और यह वीवीआई सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है कि तंतु आहार में क्या शामिल होता है, तो सेलुलोज। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है दोस्तों, तो यह प्रोटीन का अनिवार्य घटक है। नेक्स्ट है, सही उत्तर का चयन कीजिए, विटामिन वन, तो विटामिन वन को थायमिन करते हैं, विटामिन टू को क्या करते हैं दोस्तों, तो राइबोफ्लोविन करते हैं, विटामिन सिक्स को क्या करते हैं, तो पाइरीडॉक्सिन करते हैं, और विटामिन बी ट्वेल्व को साइनो कोबालामिन कहते हैं दोस्तों। तो ए का 3 हो गया, बी का 4 हो गया, और सी का 1 हो गया, और डी का कितना हो गया दोस्तों 2, तो 3, 4, 1, 2, तो 3, 4, 1, 2 किस में है दोस्तों, तो 3, 4, 1, 2 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन डी में।
बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना का कौन सा नया रूप वर्तमान में सबसे सक्रिय है? तो कोरोना का कौन सा रूप वर्तमान समय में सबसे ज्यादा सक्रिय है दोस्तों, तो आपको याद रखना है ओमिक्रॉन। कोरोना वायरस का सबसे अधिक प्रभाव किस अंग पर पाया गया? तो कोरोना वायरस का सबसे अधिक प्रभाव किस अंग पर पाया गया दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि यह पाया गया फेफड़ा पर यानी लंग्स पर। सही सुमेल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेल नहीं है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है कि ई, इसमें सभी के सभी सुमिलित है दोस्तों। तो ICMR जो है चिकित्सा अनुसंधान से संबंधित है, ICAR जो है दोस्तों कृषि अनुसंधान से संबंधित है, CSIR जो है दोस्तों औद्योगिक अनुसंधान से संबंधित है, और NDRI जो है दोस्तों पशुपालन अनुसंधान से संबंधित है। इसमें से सभी के सभी सुमिलित है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है, मानव का समान रक्तदाब होता है, तो मानव का जो समान रक्तदाब होता है दोस्तों, आपको याद रखना है यह कितना होता है, तो यह होता है दोस्तों 80/120 mm पारा। नेक्स्ट है, मानव रुधिर के कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर होता है, तो मानव रुधिर के कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर कितना होता है दोस्तों, तो 180 से 200 mg% होता है मानव रुधिर के में कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर। नेक्स्ट है, वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज mg/100 mL में होता है, तो कितना होता है दोस्तों, तो याद रखना है कि यह 60 mg/100 mL होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, हृदय का काम है, तो हृदय का काम क्या है दोस्तों, तो याद रखना है कि हृदय का काम है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना, यह हृदय का काम है। नेक्स्ट है, स्तनपाई में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो स्तनपाई में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों, यकृत है, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो अग्नाशय है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन, इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को स्किप कर ना देखें, फुल वीडियो को देखा करें आप लोग। अगर कोई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।